हमारा झारखंड के साथ बहुत ही नजदीकी रिश्ता है। हमारे रिश्ते नाते तो हैं ही, हमारी पत्नी भी झारखंड की। आप ये समझ सकते होंगे कि आपके साथ हमारा कितना आत्मीय रिश्ता है। और यहां पर मैं प्रभारी के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर चुका हूं और परमात्मा की कृपा से उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में हमको कामयाबी हासिल हुई। लेकिन आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मैं समस्त झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनका एक मुख्यमंत्री जो कुछ दिनों के लिए लापता हो गया था, अब वह बाहर आ गया है और वह मुख्यमंत्री इस समय सरकार के मेहमान के रूप में जेल में। हेलो, ये रहा बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार मैं जानता हूं, आजाद भारत में कांग्रेस की सरकारों को भी आपने काम करते हुए देखा होगा, शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो कांग्रेस की जिस सरकार के ऊपर, उस सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, हम लोगों की सरकार के बने 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत क्या दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे सरकार अथवा हमारे सरकार के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई हो। ऐसी है हमारी यह सरकार। आप लोगों के खून पसीने से बनी हुई यह सरकार है। मैं संगठन की जिम्मेदारी लंबे समय तक निभा चुका हूं। जैसे आप सब यहां बैठे हो, आपको जानकारी शायद इस बात की नहीं होगी, मैं युवा मोर्चे का भी जिला अध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का भी जिला अध्यक्ष रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। आप जैसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ऊंचाई देने में जितना संभव हो सकता था हमने अपना योगदान देने की कोशिश की और कामयाबी यदि हासिल हुई है तो आप लोगों के सहयोग के कारण, आप लोगों के परिश्रम के कारण कामयाबी हासिल। आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार केंद्र में बनाई गई। लोग उस समय तरह तरह की बातें करते थे, यह सरकार कितनी कामयाब होगी कुछ कहा नहीं जाता था। मैं उन सारे सवालों की चर्चा यह नहीं करना चाहता जो हमारे विपक्षी हम लोगों के बारे में सवाल किया करते थे, कहते थे इन लोगों का अनुभव क्या है, यह सरकार कैसे चलाएंगे। 5 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे विश्व को संदेश दे दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब तेजी से आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बहनों भाइयों, इसमें कहीं दो राय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा। मैं वर्षों से दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर जाता हूं, सरकारी बैठकों में भिन्न भिन्न मंचों से मुझे बोलने का अवसर भी प्राप्त होता है। लेकिन मैंने देखा है कि पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी, लेकिन आज भारत का कद दुनिया में इतना बड़ा हो चुका है, आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल गया था। यह भारत की हैसियत बनी है। अभी हमारे अमर बाबूली जी चर्चा कर रहे थे, न्यूक्लियर वार को हमारे प्रधानमंत्री ने रोक दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था
समय धड़ाधड़ रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से मिसाइलें चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, लेकिन हमारे भारत के भी बड़ी संख्या में बच्चे, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, वहां पर उनके अभिभावक जो भारत में रहते थे उन्होंने कहना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी चाहे जो हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से बाहर निकालिए। मेरे बहनों भाइयों, कोई यह कल्पना नहीं कर सकता, हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, आप शक्ति बनना चाहते हैं तो लोगों सारी दुनिया पर अपना रुतबा जमाने के लिए नहीं करना चाहते, यह हमारा चरित्र नहीं रहा है भारतवासियों का। दुनिया का अकेला देश है जिसके आप भी नागरिक हो और मैं भी नागरिक हूं, जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का तरत्व नहीं माना, बल्कि दुनिया में सारी दुनिया में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। मेरे बहनों भाइयों, भारत ने पूरा विश्व ही हमारा परिवार, इतनी व्यापक इतनी ऊंची सोच यदि किसी की है तो हम भारतवासियों की, हमें कभी संकुचित दायरे में नहीं सोचना चाहिए। हम धनवान बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए हम धनवान बनना चाहते हैं, हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो सारे विश्व की रक्षा के लिए हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं, यह है हमारे भारत का चरित्र और ऐसे भारत के हम नागरिक हैं। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए, आपको हमको सबको। झारखंड का जहां तक प्रश्न है मैं क्या कहूं यहां के बारे में, सचमुच आप लोगों को कैसा लगा मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन जब मैंने सुना कि यहां के मुख्यमंत्री दो दिन से लापता है, पुलिस ढूंढ रही है, मिल नहीं रहे, तो मुझे तरस आ रहा है। आज तक भारत के इतिहास में मैंने यह नहीं सुना था कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री लापता हो गया, लोग ढूंढते नहीं, बात कर रहे हैं पता ही नहीं क्या, पता नहीं दो दिन के बाद कैसे प्रकट हुए मैं नहीं जानता। लेकिन आज कल जेलों में और सरकार उनकी मेहमान नवाजी कर रही है, झारखंड जैसे राज्य में जहां लोग जिस्म का पसीना बहाने वाले हैं, शौर्य पराक्रम के धनी एक से एक महापुरुष यहां पर पैदा हुए, सिद्ध कानू तिलका मांझी चमद भैरव फूलो झांड नीलांबर पीतांबर जटाताना भगत एलवा टेक्का और भगवान बिरसा मुंडा, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी हत्या इस झारखंड की धरती पर पैदा हुई है और भारत का नाम रोशन किया है, भारत को एक दिशा देने का काम किया है। वहां के मुख्यमंत्री जेल की हवा खाएं और उस झारखंड में ऐसा भी सांसद हो 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ नहीं 250-300 करोड़ मशीन से पैसा गिना जा रहा है, उसके पास पैसा कितना? मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, फैसला आपको करना होगा, झारखंड को कहां ले जाना चाहते हैं, झारखंड को आप रतातल में ले जाना चाहते हैं अथवा झारखंड को आप ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए आपको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। झारखंड के लोगों को मैं जानता हूं, बेहद परिश्रमी लोग, जिस्म का पसीना बहाने वाले लोग, सामने यदि कोई जोखिम का पहाड़ आकर खड़ा हो जाए तो जोखिम के पहाड़ पर भी विजय हासिल करने की क्षमता हमारे झारखंड के बहनों भाइयों में, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, कहां हम देश को ले जाना चाहते हैं आप कल्पना करिए।
विगत कुछ वर्षों से हमारी सरकार नहीं है, यदि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ही न रहे होते और झारखंड की इस तरीके से चिंता उन्होंने न की होती तो क्या होगा? मुझे जानकर इस बात की खुशी है, 35,700 करोड़ रुपए का लोकार्पण या शिलान्यास उन्होंने अभी एक आध महीने पहले किया, किया कि नहीं किया? 35,700 करोड़। और वैसे ही एक खाद कारखाना सिंदरी में 2018 में उसका शिलान्यास किया था और 2024 में आकर उसका लोकार्पण भी कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक वर्ष में जितनी हमारी सरकार ने झारखंड के विकास पर खर्च किया है, 10 वर्षों का इतिहास पिछला उठाकर देख लीजिए, केंद्र सरकार ने उतना कभी खर्च नहीं किया है। यह मोदी जी का प्यार है झारखंड वासियों के प्रति। मैं जानता हूं या किसान श्रमिक और सेना में मैंने देखा कि यहां जवान भी भारत की सीमाओं पर रक्षा करने वाले जवानों को जब मैं मिल रहा था, दलवान घाटी में गया था, वहां पर मैंने देखा कि हमारे कुछ झारखंड के जवान भी वहां पर हैं। भाइयों, हमारा मस्तक सचमुच गर्व के साथ ऊंचा हो गया। बैठिए, गर्व के साथ ऊंचा हो गया। झारखंड के मान स्वाभिमान, मान सम्मान और स्वाभिमान की चिंता आपको कर रही है। जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं तो विशेष रूप से यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सच्ची से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। क्या आपको इस बात पर फक्र नहीं होता है कि भारत जब भी पहले कांग्रेस चुनाव आता था बराबर वादे करती थी, हमारी सरकार बना दो हम गरीबी समाप्त कर देंगे? क्या भारत यहां की गरीबी कांग्रेस समाप्त कर पाई? लेकिन मैं नहीं कह रहा, भारत और दुनिया की सर्वेक्षण एजेंसियां इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं और नीति आयोग ने कहा है कि मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर इस भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। कितने लोगों को पक्के मकान मिले? यदि झारखंड में हमारी सरकार रही होती तो और करिश्मा आपको देखने को मिलता। हम जाते थे पहले इसी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी मैंने काम किया है, झारखंड में भी काम किया, माताएं बहने दूर दराज क्षेत्रों से जाकर सिर पर पानी रखकर घड़े पर घड़ा रखकर अपने घरों में वो वापस लौटती थी। मेरे भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान में एक भी कच्चा घर नहीं रहने देंगे, सबके लिए हम पक्की छत मुहैया कराएंगे। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है, उस प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। घर घर में नल पहुंचाएंगे, नल के माध्यम से जल देंगे, गरीब परिवार की माता बहन के भी आंखों से खाना बनाते समय अंगीठी और लकड़ी के धुएं से आंसू नहीं आना चाहिए। इतनी संवेदना किसमें रही है? एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया। मैं माताओं बहनों को बधाई देना चाहता हूं, 100 रुपये सिलेंडर और सस्ता हो गया, सरकार ने और सस्ता किया। बड़े बड़े परिवारों की माताओं बहनों की इज्जत असमत नहीं होती है, गरीब परिवारों में रहने वाली माताओं बहनों की भी इज्जत होती है। उधर चलाने का तरीका होगा, आर्थिक विकास की गति में तेजी आई है, इसे आप भी स्वीकार करेंगे, मैं भी स्वीकार करता हूं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है, जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। और यदि किसी को संदेह है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा हमारे घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए।
मुझे याद है 2014 में जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे, मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। घोषणा पत्र बनाने के लिए जब मैंने कहा तो मोदी जी ने कहा कि अध्यक्ष जी इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसको कि हम कह ना पाए। मैंने कहा पूरी सावधानी बरतेंगे, यह हमारे भी चरित्र में है, हम जनता को धोखा देना यह हमारे चरित्र का हिस्सा कभी नहीं है। और 2019 में जब खिलाड़ी घोषणा पत्र बनने लगा तो उसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी संभाले, पूरी सावधानी हम लोगों ने बरती। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो जो वादे हमने 51 में किए थे यदि पूरे नहीं कर पाए तो उसको बराबर दोहराते हैं। हमने जनता के भरोसे को नहीं टूटने दिया है मेरे बहनों भाइयों, हम टूट जाए यह मंजूर है लेकिन जनता का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, यह हमारा चरित्र है। नहीं टूटेंगे। मैंने आपको याद होगा हमारे जनसंघ के नेताओं ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान ही दिया, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय वो कहा करते थे जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा हम धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है चुटकी बजाकर हम उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा चुटकी बजाकर हम लोग उसे समाप्त करेंगे। और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। अब जम्मू कश्मीर में चले जाइए माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे 3 तलाक प्रथा समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। लोग ये कहते हैं भाजपा हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव करती। आरोप लगाने वाले को मैं कहना चाहता हूं हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हम वोट केवल वोट हासिल करने के लिए राजनीति नहीं करते, केवल वोट हासिल करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। चाहे वह हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे ईसाई चाहे पारसी किसी की मां बहन हो वो हम सबकी मां बहन है। यदि कोई मजहब के लोग किसी कारणों से यदि उस मजहब की माता बहन के साथ कोई जुल्म होता है 3 बार तलाक 3 बार बोल दिया और उसकी छुट्टी हो गई तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की बहनों भाइयों और 3 तलाक की प्रथा को हमने समाप्त कर दिया। नागरिकता कानून अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो चाहे हिंदू हो सिख हो ईसाई हो पारसी हो जो पहले भारत के नागरिक थे उनका वहां धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था आ रहे थे भारत, हम लोगों ने फैसला किया उनको हम नागरिकता दें, नागरिकता का कानून पास कर दिया। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, यह आरोप लगता है हमारे पर। मैं पूछना चाहता हूं हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले लोगों से, हमारे दल के ऊपर हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाने वालों से पूछना चाहता हूं क्या कारण है कि जिस पाकिस्तान में 23.5% हिंदू थे आज उनकी संख्या 3.5% क्यों रह गई। हम लोगों ने किसी दूसरे धर्म के लोगों पर इस प्रकार का जुल्म नहीं डाला है, दूसरे धर्म के लोगों की जनसंख्या भी हमसे कहीं तेजी से बढ़ रही है लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं। और इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जो हम लोगों ने कहा था करके दिखा, हम लोग 1984 से कहते चले आ रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में भी कहते हैं रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो हम ये कहते थे लोग जब
चुनाव आता है तो भाजपा वाले जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, कहते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये कहते थे हम लोग। मैंने भाइयों आपने देखा वह दिन आ गया 22 जनवरी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हमारे प्रधानमंत्री ने वो प्राण प्रतिष्ठा की सारे धर्माचार्यों की उपस्थित में उनके आशीर्वाद से। और मेरी बात सुन लेना, हो सकता है किसी को अतिशयोक्ति पूर्ण लगे, राम लला अपनी कुटिया से चलकर अपने राजमहल पहुंच चुके हैं, भारत में राम राज्य आकर रहेगा। मेरे बहनों भाइयों बहन विपक्षी दल के नेताओं से कहना चाहता हूं, राजनीति जात पंथ मजहब की नहीं होनी चाहिए, राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरे भाइयों ये लोग हमारे विपक्षी दल के लोग जानते हैं अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं, जनार्दन का मतलब समझते हैं भगवान मानते हैं, ये अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं नहीं भगवान मानते हैं। हम लोग जनता को जनार्दन मानते हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं, हमारे और उनके में मौलिक अंतर है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं देश बनाने के लिए करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी की सरकार का शानदार है, ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी का शानदार है। पहले कांग्रेस के लोग कहते थे अरे भाई वादा हो गया करो ना करो बैठे रहो, एक तरीका यह भी होता है इन एक्शन यानी कुछ न करना यह भी करने का एक तरीका होता है, कुछ न करना भी एक करने का तरीका होता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं इन एक्शन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हम लोग कुछ करने को भी करना नहीं कहते हैं, हमको दिन रात करने को ही करना कहते हैं।